तो कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। आज एक सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमें अच्छा लगा था, हम सोचे आप लोग साथ साझा कर दें। एक महीना पुराना रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि टीका लगवाना आपकी मर्ज़ी है, आपका मन हो तो लगवाना तो ना लगवाएं, और RTI लगा कर भी सरकार से पूछो तो यही कहता है कि ये सुरक्षित है। लेकिन कुछ कंपनियां जबरन लगवा रही हैं और स्कूलों में भी लग रहे हैं, कॉलेजों में भी लग रहे हैं। हाँ, तो ये जिनके साथ ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है या लग चुका है, वो कम मुआवजे का मांग कर सकते हैं क्योंकि ये उनके साथ धोखा हुआ है, समझे। मानवाधिकार परिषद और इंडियन बार एसोसिएशन ने पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए देने के मुआवजे की मांग की है, समझे। नागरिकों को गुमराह करके जबरदस्ती टीकाकरण के लिए बाध्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कम से कम अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा नागरिकों के मानवाधिकार और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए अग्रिम मुआवजे की मांग की है। कौन? हम 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे और ये देगा कौन? सरकार देगा। सरकार वसूलेगी किससे? इन कंपनियों से जो जबरदस्ती लगवा रहे हैं, समझे। लेकिन कब? जब आप आवाज़ उठाओगे तब, जब उनको पता चलेगा तब, जब आप अपने लिए लड़ोगे तब। ये कौन कह रहा है? मानवाधिकार के सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय महासचिव रशीद खान पठान जी कह रहे हैं। और ये इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीलेश जी, जो अभी ट्रेंडिंग महामारी चल रही है इसके बारे में हर कोई जान ही रहा है, इसका एक सटीक दवा होते हुए आइवरमेक्टिन, समझे, इसका एक सटीक दवा होती है, इसका दुष्प्रभाव भी उतना नहीं है और ये कारगर साबित भी हुआ है। तो ये होते हुए भी कुछ टीका निर्माता कंपनियों द्वारा बिक गए कुछ मीडिया और अधिकारी के जरिए एक झूठा खबर दिया गया हम लोगों को, जो आज दुनिया में ये हो रही है। सब माफिया कंपनी जो हैं वो सबके द्वारा बिके हुए कुछ अधिकारी ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ, ताकि उनका टीका बिके, हाँ, और टीका का व्यापार हो सके। और देखो ये इतना टीका, ये इतना हानिकारक है फिर भी अभी बिक रहे हैं। और तीसरे चरण का ट्रायल का रिपोर्ट भी अभी, परिणाम भी सामने नहीं आया है, हाँ, फिर भी ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो आप समझो, आप खुद जागोगे और अपने लिए लड़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। ये मत सोचो कि थाली में परोस के आपको हाथों द्वारा खिलाया जाएगा। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा, समझे। हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन हारो तो मत यार। जहाँ देखो कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा है, कंपनी द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, फ़ौरन जाके टीका ले ले रहे हैं। हमारे मोहल्ले में भी कितने लोग ले लिए, समझे। तो आप अपने लिए लड़ो, थोड़ी सी आवाज़ तो उठाओ। इतना भी बुजदिल मत बनो कि कोई कुछ कह दे रहा है तो उस पर हम चले जा रहे हैं उनके बातों पर, समझे। इसीलिए दिमाग लगाओ, जो सचेत रहेगा वही बचेगा। और अमेरिका के कुछ प्रसिद्ध डॉक्टरों के संस्थान और इंग्लैंड के प्रसिद्ध डॉक्टरों के संस्थाओं ने ये जो है इसका पूरा झूठ एक साइंटिफिक परिणाम के साथ पूरा इसके झूठ का उजागर किए हैं ये लोग, हाँ। और ये रिपोर्ट का हम पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि सब कुछ बता देना पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, हाँ। और अपने अपनों का ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।